जैसा बताया कि इस यात्रा पर जाने वाला हर यात्री सौभाग्यशाली है, लेकिन आज का ये सोलह दल जितने यात्री इसमें जा रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली है। आप कहेंगे सर क्यों? समापन से पूर्व आपको बताया जाएगा। शब्दों से स्वागत की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ संरक्षक वयोवृद्ध बाल गोपाल होटल गेस्ट रूम के मालिक श्री मदनलाल चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, संस्था समिति विगत 19 वर्षों से ये कार्य में लगी हुई है। इस होटल के अंदर 17वां साल है और हमारे चड्ढा साहब का क्या कमाल है, आपको लग रहा होगा कि उम्र कितनी होगी? होगी 68-70 साल की, 75 के हो सकते हैं। दोस्तों अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आपकी एज है सिर्फ 84 वर्ष। चलना मुश्किल हो जाता है, आप पौने 6:30 बजे यहां पर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम मिस नहीं करते। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम तो यही कहेंगे कि भोले की आप पर जब तक कृपा नहीं है जब तक हम छोड़ जाने। आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर निरंजन जी को। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं भोले के कान में, जो भोला आपको हर बार बुला लेता है और सहज भाव, तीन बार नाम बोला फिर भी इच्छा ये थी डॉक्टर साहब की मंच पे ना जाना पड़े। सही बात है, भक्त यही चाहता है। डॉक्टर निरंजन की बात, श्री सुनील बोला जी, सुनील जी क्या कहते हैं ये तो बता दो, डॉक्टर साहब से छुपा गए, आप तो बता दो। भोले का बुलावा आता है जो कुछ पता नहीं चलता है, तो बस अपने आप तैयारियां हो जाती है, अपने आप रास्ता खुल ही जाता है। तो भोले की कृपा से गजियाबाद में हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कैलाश ही बात करता है कि गजियाबाद में बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है और इस स्वागत से हमारी जो यात्रा होती है वो यात्रा के लिए हमको बहुत टर्निंग मिलता है। आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद और प्रभु आपको ये जो सेवा करी है सब कैलाश योगा वो करवा चला है, ऐसा प्रभु से प्रार्थना। देखिए शाकिर शब्द बहुत छोटा शब्द होगा, सुनील जी के लिए अगर बोला तो बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि भक्त कैसे शाकिरता से अपनी वो चीजें छुपा लेता है। और दोस्तों सही बात है, अपना पासवर्ड तो कोई बताता नहीं ना। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।